हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल 403। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ गाइस आप लोग ठीक होंगे। और गाइस आगे ठीक ना, तो भाई लोग तुम लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले फ्री फायर का अटैक्स ऑन टाइटन्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। उस कोलैबोरेशन में दो बंडल्स आया था, मेल का दो बंडल आया था। एक तो आया था, मतलब पता है दो बंडल, दो तरह का बंडल आया था। एक ये वाला आया था, मतलब शो कर रहा था गेम में कि दो बंडल का आने का है, लेकिन एक ही बंडल आया था। तुम लोगों को पता होगा एक बंडल आया था और दूसरा वाला बंडल नहीं आया था। मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो ये वाला बंडल हम लोग के गेम में आया था और ये वाला बंडल हम लोग के गेम में नहीं आया था। तो तुम लोग को पता है ये वाला बंडल ना आने का राज क्या है, क्यों नहीं आया? और ये वाला बंडल आया तो क्यों आया, ये वाला बंडल नहीं आया क्यों आया? गेम में आना था दोनों बंडल के आने का था, लेकिन आया सिर्फ एक ही बंडल क्यों? तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ पे। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो में मैं अपना इंट्रो नहीं देने वाला हूं, तो चलो चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो भाई लोग तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला बंडल हम लोग के गेम में आ चुका है। ये वाला बंडल हम लोग के गेम में आया है, बहुत बंदों ने इस बंडल को लिया है और इस बंडल के साथ अपना गेम प्ले किया है, और ये वाला बंडल अभी तक हमारे गेम में नहीं आया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो दोनों बंडल ही नंगा पुंगा बंडल है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा नंगा पुंगा बंडल है दोनों ही, ठीक है? तो इसमें नंगा पुंगा ये वाला बंडल जो है, ये मतलब देखने में कम नंगा है, इसको देखने में लग रहा है लकड़ी का बना हुआ है, अजीब मतलब बना हुआ है, उतना नहीं लग रहा है जिसके कारण इसको गेम में नहीं आना चाहिए। लेकिन गाइस ये वाला बंडल देख लो, ये वाला बंडल पूरा ही नंगा की तरह लग रहा है, ये वाला बंडल नंगा की तरह लग रहा है। और तुम लोग जानते हो कि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है, इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है, इसके कारण ये वाला बंडल हम लोग के फ्री फायर गेम में नहीं आया। हम लोग का इंडियन कल्चर पूरा डिफरेंट है, अदर कंट्री से पूरा डिफरेंट है। मतलब अदर कंट्री का कुछ कुछ और कर चला है, हमारा संस्कृति कुछ और है, हमारा सांस्कृतिक धर्म कुछ और है। इसी के कारण फ्री फायर में ये बंडल नहीं आया है। हमारे फ्री फायर गेम में बहुत सारे बच्चे भी गेम खेलते हैं, तो अगर ये वाला बंडल गेम में आता तो उन बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता था, भाई लोग समझ रहे हो ना? इसीलिए हम लोग का कल्चर पूरा अलग है इससे, इसीलिए ये वाला बंडल हम लोग के गेम में आया, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अजीब नहीं दिखता है, उतना ज़्यादा इसको नहीं कर सकते हो कि ये नंगा पुंगा दिख रहा है या फिर कुछ और। लेकिन ये गाइस इसको फ्री फायर वालों ने क्या सोच के कैसा बना दिया, इसको पूरा नंगा पुंगा बना दिया, पूरा नंगा कर दिया इस बंडल को, इसीलिए हमारे गेम में नहीं आया। कि ये पूरा ही मतलब हम लोग के कल्चर के पूरा विरुद्ध है, हम लोग के संस्कृति के पूरा विरुद्ध है ये कल्चर। अगर हम लोग ये बंडल अगर हम लोग के गेम में आ जाता ना, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता था पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में इंडियन सर्वर के, इसीलिए हमारे गेम में ये वाला बंडल नहीं आया। तो इसके पीछे का रीज़न तुम लोग को नहीं पता होगा ना, तो मैं बता दे रहा हूँ पूरा वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है कि क्यों ये बंडल नहीं आया था। मेन रीज़न है कि हम लोग का इंडियन कल्चर दूसरे एक कंट्री के अकॉर्डिंग, दूसरे सर्वर में, जैसे मीना सर्वर हुआ, दूसरे सर्वर सिंगापुर सर्वर हुआ, सभी सर्वर में आया, लेकिन सिर्फ इंडियन सर्वर में नहीं आया। तो ये इसीलिए नहीं आया कि पूरा कल्चर हम लोग का वैसा नहीं है, पूरा कल्चर पर डिपेंड है ये बंडल, इसलिए हम लोग के गेम में नहीं आया, बाकी अदर सर्वर में आया है। तो दोस्तों यही रीजन था इस बंडल के हम लोग के इंडियन सर्वर में नहीं आने का। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।